सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल जो नेतागण यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है उनसे यही पूछा जा रहा है, अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव, कि आपको क्यों और कौन रोक रहा है इन रैलियों को संबोधित करने से, क्यों नहीं आपको रुक जाना चाहिए, इनफैक्ट ये सवाल है। अब मैं जगदीप जी आपसे जानना चाहती हूँ, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड और इनफैक्ट इस पैनल में सबसे सीनियर हैं, क्या वजह है कि रैलियों को नहीं रोका जा रहा है जब ऐसा वक्त है जो पहले कभी नहीं किसी ने देखा, और मतलब मैं इन सालों की बात कर रही हूं। देखिए, रैलियों को इसलिए नहीं देखा जा रोका जा रहा है कि राजनीतिक दल जो हैं उनके लिए इलेक्शन जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं याद रहता। जब इलेक्शन का टाइम आता है कि सिवाय इलेक्शन जीतने में पैसा खर्च हो जाए, इंसानों की जान चली जाए। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले किसी दूसरी स्टेट में इलेक्शन हो रहा था जहां एक बहुत बड़े नेता ने ये कहा था कि मुझे तो, मैं जहां तक देखता हूं लोग ही लोग नज़र आते हैं और कुछ नज़र आता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें, इस तरह का बिहेवियर जो है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इररिस्पॉन्सिबल हैं। और वो ये पहली बात नहीं है, हम लोग तो इस काम में, इसमें 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल में कम से कम 6 दफा जब भी कोई अच्छा काम करना होता है सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठे होके कहती हैं कि ये हम नहीं कर सकते और दूसरी पार्टी करेगी तो मैं करूंगा। देखिए, दूसरी पार्टी अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है तो आप भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए कोई इनको वो नहीं है। जितने भी अभी ये बहुत समझदार लोग बात कर रहे थे, हर किसी को ये नहीं पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देश में है और उसका कानून इस वक्त देश में लागू है। हर स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनका कानून लागू है, लेकिन बार बार ये कहे जाना कि इलेक्शन कमीशन कहेगा तो करेंगे। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को छोड़िए, आप जो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी स्टेट की है उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करिए, और स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि जो उसको फॉलो नहीं करता है उनके खिलाफ वो एक्शन ले। लेकिन सबसे सर्वप्रिय बात तो है चुनाव जीतना। हाँ जगदीप सर, आपने जो कही ना कि भाई वो स्टेट मैनेजमेंट जो है वो कैसे फैसला लेगा या कैसे एक्शन कर लेगा, क्योंकि उसे तो वहाँ की सरकार का खौफ बैठा हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बाकी राज्य हो। सुरेंद्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, कहना चाह रहा था, पिछली बार भी कह रहा था कि एनडीएमए जब लगा हुआ है और पूरी जितनी की जिसकी भी जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार हो, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब केंद्र की सरकार एनडीएमए एक्ट के अंतर्गत कोई भी एडवाइजरी लागू करती है तो कानूनन बाध्य है वो, पूरे देश के लिए, पूरे राजनेताओं के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए। और अगर वो बाध्य है उसके बाद किसी को भी अथॉरिटी रैली करने की सरकार देती है, रैलियां पॉलिटिकल पार्टियां स्वयं नहीं करती हैं। तो जब ये सरकार देती है उन सरकारों को अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए, और एनडीएमए एक्ट में तो मेरे और आप जैसे लोगों के ऊपर भी मुकदमे हुए और बाकायदा तबलीगी जमात के ऊपर भी मुकदमे हुए, आपको याद होगा। तो जब एनडीएमए एक्ट में तबलीगी जमात के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, मेरे ऊपर हो रहे हैं, आपके ऊपर हो रहे हैं, तो रैलियों की जो लोग परमिशन जो सरकार दे रही है उनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए ना। राजनीतिक दलों की जगह सरकारों को, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसके साथ 100% जो हूँ मैं अग्री करती हूँ कि भाई आप एक अम्ब्रेला का वो फैसला बड़ा वाला ले लीजिए और उस फैसले के माथहत सब आ जाएंगे, और अगर उस फैसले के विपरीत कोई जाता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले लेना, ये तो बात होगी कानूनन। अब मैं आपसे एक जिम्मेदारी भरा फैसला ले रही हूँ, और ये जो सवाल है ये मेरे दोस्त प्रणय उपाध्याय ने मुझे अभी मैसेज किया है और मुझे लगता है ये सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी की रैली में शामिल होने के बाद कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसका इलाज पार्टी उठाएगी, उसका खर्च उस परिवार की मदद करेगी? सुरेंद्र भाई, वो हमारी मैं दो बातें कहता हूँ बड़ी साफ साफ। पहली चीज तो अगर हमारे यहाँ पर कोई आके कोरोना पॉजिटिव होता हो या ना होता, अगर नहीं भी होता है हम लोग तो उसके बाद भी मदद करते हैं, उसका खर्च भी उठाते हैं और उसके उसके सारे परिवार की भी सेवा करते हैं, ऐसी कोई और सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। कोरोना काल में आपने भी रूबिका जी देखा होगा कि यूथ कांग्रेस के जिस तरीके से श्रीनिवास
के नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया था, उसमें हमारे लोग नहीं थे, उसमें देश के लोग थे। ABP News आपको रखे आगे।